हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फुल एडर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फुल एडर की थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। फुल एडर एक ऐसा एडर सर्किट होता है जो तीन इनपुट को ऐड करता है और दो आउटपुट मिलती हैं। पहली दो इनपुट ए और बी होती हैं और तीसरा इनपुट ये कैरी इनपुट होता है जिसको हम सी इन से डिनोट करते हैं। आउटपुट पर हमें एक नॉर्मल आउटपुट जो जिसे हम सम या एस से डिनोट करते हैं और दूसरा कैरी आउटपुट होती है जिसको हम सी आउट से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फुल एडर का एक ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ये फर्स्ट इनपुट ए है, सेकेंड इनपुट बी है और ये जो हमारा तीसरा इनपुट है जो कैरी इन के रूप में होता है जब हम कोई नंबर को ऐड करते हैं और जो कैरी जनरेट होती है उसको ऐड करता है और आउटपुट पर हमें सी आउट मिलता है जो ये कैरी आउट होती है और जो ये एस है ये हमारा सम होता है, ये सम होता है। और ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें दो एग्जॉर गेट चाहिए होते हैं टू इनपुट के। एक एग्जॉर गेट ये है जिसपे इनपुट ए और बी अप्लाई किया और दूसरा एग्जॉर गेट ये है जिसपे इस फर्स्ट एग्जॉर गेट की आउटपुट एक पिन पर दे दी और जो थर्ड हमारा कैरी इन इनपुट है वो अप्लाई किया। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर सम में मिलेगी, सम के फॉर्म में यहाँ पर ये हमें सम मिलेगा। और यहाँ पर सेम इनपुट एक एंड गेट पर ए और बी दिया गया है और एक गेट पर हमारा फर्स्ट एग्जॉर गेट का आउटपुट और सी इन दिया गया है। इन दोनों एंड गेट की आउटपुट को हमने एक और गेट पर दिया है और OR गेट की जो आउटपुट मिलेगी वो हमारी कैरी आउट मिलेगी। सपोज हमने हाफ एडर में देखा था अगर 0 1 है तो हमें आउटपुट पर 0 1 को ये हमारा 1 होता है। लेकिन फुल एडर में क्या होता है, सपोज 0 1 1 है, अगर हम इसको करें 1 1 0, ठीक है, और फिर 0 प्लस 0 तो ये 0 हो जाएगा और जो इसमें कैरी 1 हो रही है वो कैरी इधर जा रही है नेक्स्ट नंबर पर, ये जो कैरी है यहाँ पर आ रही है ये 1, यही हमारा कैरी इन होता है। तो ये जो है इसको ऐड कर सकता है जबकि हाफ एडर में ऐसा नहीं होता है। तो इसकी अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये फ्रेंड्स ये फुल एडर की ट्रुथ टेबल है जिसमें तीन इनपुट हैं, एक इनपुट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी इन, जो कैरी इन होता है वो थर्ड इनपुट है। अब देखते हैं और आउटपुट पे एक सम है, एक कैरी है, इस ए को 0, बी को 0 और सी इन को 0 दिया तो सम पर हमें ये 0 मिलेगा और कैरी भी 0 मिलेगी। ए को 0, बी को 0 और सी इन को 1 किया तो हमें सम 1 मिलेगा और कैरी 0 मिलेगी। नेक्स्ट ए को 0, बी को 1 और सी को 0 तो हमें सम 1 मिलेगा, कैरी 0 मिलेगी। अब आते हैं हम यहाँ पर 0 1 1 मीन्स 0 प्लस 1, ये 1 हो गया, 1 1 0 तो सम में हो गया 0 और कैरी हो गई 1। अब नेक्स्ट है ये हमारा ए 1 है और बी 0 है, सी 0 है, इनको अगर करेंगे तो 1 प्लस 0 तो 1 और 0 1 प्लस 0 तो ये हमारा सम 1 और कैरी 0। नेक्स्ट है ए 1 है, बी 0 है और सी इन 1 है, अगर इसको हम ऐड करें 1 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 1, अगेन 1 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा सम 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगी। इस तरह से कैसे इसको हम देखते हैं, इस वाली ये है 1 0 1, अब इसको हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, अगेन 1 और 1 तो ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 0 और ये हो जाएगी हमारा कैरी, ये कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सम 0 हुआ और ये कैरी 1 आ गई। नेक्स्ट वाला अब हम देखते हैं इसी तरह से, ये वाला यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, मीन्स 1 1 0, इसको ऐड करते हैं हम, देखिए 0 1 ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 0 और ये एक कैरी, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है सम 0 है और कैरी 1 है। अब आते हैं लास्ट में, ये ए को 1, बी को 1 और सी इन को भी 1 दिया है, तीनों इनपुट हाई है मीन्स 1 1 1 है, तो आउटपुट में क्या होगा यहाँ पर देखिए 1 1 1, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए 1 प्लस 1 0 और कैरी हो गई 1, ठीक है, और 0 1 को 1 प्लस 1 ये हो गया हमारा 0 और कैरी 1। अब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो जाएगा 1 और ये कैरी हो जाएगी 1, तो इस तरह से तो सम 1, तो यहाँ पर क्या हुआ सम 1 और कैरी भी 1। तो फ्रेंड्स फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एग्जॉर गेट की आईसी चाहिए होगी, एग्जॉर गेट की आईसी जिसका नंबर होता है 7
4, 8, 6, तो ये दो गेट हमें चाहिए एक्सोर गेट के, फिर एंड गेट यहाँ पर दो यूज किए गए। इसकी आईसी का नंबर होता है 7408 और एक और गेट इसका नंबर होता है 7432। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक्सोर गेट की आईसी का नंबर है 7486। इसको हम ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट हो गई है। नेक्स्ट आईसी है एंड गेट की जिसका नंबर है 7408, इसको भी हम ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आईसी है एंड गेट की जिसका नंबर है 7432। हमें दो एलईडी चाहिए, हमने एक ग्रीन एलईडी ली है और एक रेड एलईडी ली है, एक हम सम के लिए यूज़ करेंगे और एक कैरी के लिए। इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं सभी आईसी पर। सबसे पहले सभी आईसी की पिन नंबर 7 को ग्राउंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक वाला वायर किया, इस पर हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई का। ये देखिए ग्राउंड हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है सभी आईसी पर। ये हमने ए और बी कनेक्ट कर ले रहे हैं इस तरह से, और ये हमारा ए है और ये है जो ग्रीन वाला, ये बी है, ठीक है। अब हम पिन नंबर 3 जो फर्स्ट एक्सोर गेट है उसकी आउटपुट को अब हम थर्ड इनपुट सी को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये सी इन है, इसको हम इस वाले गेट के इनपुट पर दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है हमने यहाँ पर इधर एक गेट यूज़ किया है, ये वाला जो ब्लू वायर है ये हमारा सी है। उसके बाद एंड गेट की आउटपुट को और गेट पे अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, और सेकंड जो इनपुट है एक तो सेकंड और गेट से आएगा यहाँ से, इस ये जो है इनपुट, ये वाला इनपुट, ये एक्सोर गेट का आउटपुट इस एंड गेट पे जाएगा और एक सी का जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सम के लिए हम रेड एलईडी यूज़ कर रहे हैं और ग्रीन के लिए, सॉरी कैरी के लिए ग्रीन एलईडी यूज़ कर रहे हैं, और एलईडी के सीरीज में हम एक 330 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, और एक हम इसकी आउटपुट से एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारा कनेक्शन हमारा हो गया है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव वायर, ये जो पावर सप्लाई का हमारा पॉजिटिव वायर है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और नेगेटिव जो वायर है ये वाला, इसको हम इधर नीचे की तरफ इस वाली बस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए कनेक्ट हो गया है, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सर्किट डायग्राम बन गया है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने सभी कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो एलो वायर आप देख रहे हैं, ये वाला ये जो एलो वायर है ये हमारा ए है, ये ग्रीन वाला बी है और ये ब्लू वाला सी इन है, ये हमारा थर्ड इनपुट है। तो अब हम सबसे पहले सभी इनपुट को 0 0 0 कर रहे हैं, 0 0 0। तो आउटपुट पे हमें दोनों आउटपुट 0 होने चाहिए। सबसे पहले हम इनको 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर 0 0 कर दिया है इस तरह से। तो सभी दोनों आउटपुट हमारी सम और कैरी 0 है। अब हम सेकंड वाली कंडीशन को देखते हैं, इस वाले को, ये हमारा फर्स्ट था ये सेकंड वाला है। तो इसमें क्या है, ए और बी 0 है और सी हमारा 1 है। तो सी हमारा जो ब्लू वायर है इसको हम बंद कर रहे हैं, ये देखिए ये मैंने बंद कर दिया इस तरह से। तो ए 0 है, बी 0 है, सी 1 है, तो हमारा सम जो है 1 होना चाहिए। तो जो ग्रीन वाला है हमारा ये सम है, और सॉरी रेड वाला जो है ये फर्स्ट एलईडी ये सम है और ये कैरी है। तो सम हमारा ये देखिए ये वाला 1 है और ये 0 है। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, ये थर्ड नंबर है, इसमें ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। तो हम सी को 0 कर रहे हैं और ए को 0 कर रहे हैं, सिर्फ ये ग्रीन वाला वायर ये बी है इसको हम 1 कर रहे हैं। तो इस केस में भी क्या है, हमारा सम 1 रहेगा और कैरी 0 रहेगी। नेक्स्ट अब हम पिन 4 वाला फोर्थ कंडीशन देख रहे हैं, जिसमें ए 0 है और बी और सी दोनों 1 1 हैं, बी और सी इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये वाला एलईडी ग्लो करने लगा है, क्योंकि इसमें क्या है, ए 0 है, बी और सी 1 1 है, तो हमारा आउटपुट में सम 0 है और कैरी 1 हो गई। ये देखो रेड वाली एलईडी ये ग्लो नहीं कर रही, तो ये 0 हो गया, और ग्रीन वाली ग्लो कर रही है तो 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब हम नंबर 5 पर आते हैं, जिसमें ए 1 है और बी और सी 0 है। ए को हम 1 कर रहे हैं, बी और सी को हम 0 कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो इस वाली कंडीशन में क्या है, हमारा सम 1 है और कैरी 0 है। तो रेड वाला सम, ग्रीन वाला कैरी,
ये भी वेरीफाई हो गया। अब सिक्स नंबर पे आते हैं जिसमें ए वन है, बी जीरो है। बी जीरो है तो बी हमारा ग्रीन है, और ये भी कंडीशन हमारी ए वन है और बी जीरो है और सी वन है, तो ये सी हम वन किए दे रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर भी सम हमारा जीरो और कैरी वन, तो ये वाला वेरीफाई हो गया है। लास्ट सेवन्थ पे आते हैं, ये हमारा सेवन्थ नंबर का है जिसमें ए और बी वन, सी जीरो, तो सी को हम जीरो कर रहे हैं और बी को वन कर रहे हैं, ए और बी को। तो इस केस में देखिए, सम जीरो और कैरी वन, ये कैरी वन है, ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है, ये कैरी है, और ये वाला सम है, ये रेड एलईडी हमारा सम है। अब लास्ट वाली कंडीशन पे हम आते हैं जिसमें ए बी और सी इन, ये तीनों हमारा जीरो है, तो आउटपुट पे सम वन होना चाहिए और कैरी भी वन होनी चाहिए। हम तीनों इनपुट को हाई कर रहे हैं, मीन्स वन कर रहे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है, मीन्स ए को वन किया, बी को वन किया, सी को वन किया, तो हमारा सम वन मिल रहा है और कैरी भी वन मिल रही है, दोनों एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। तो इस तरह से देखा आपने, ये हमारा फुल एडर का ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दूसरे लॉजिक गेट के वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।